राजनीति के हरफन मौला और राजनीति के चाणक्य, शायद ही देश का कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा जिन्होंने इनसे राय शुमारी नहीं की हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रराज सिंघवी जी की। राजस्थान विधानसभा चुनाव करीब है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और यहां पर अब दूसरी सूची का इंतजार है, लेकिन फिर भी राजनीतिक जो घमासान मचा हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? जी बताएं। 41 सीट घोषित की और ये पहला अटैक था। आपको याद होगा दूसरे महायुद्ध में हिटलर का सबसे बड़ा जनरल रोमेल था। रोमेल कहा करता था, फर्स्ट अटैक इज ए विक्ट्री अटैक। तो भारतीय जनता पार्टी ने रोमेल स्टाइल पर पहली सूची जारी कर हमला कर दिया। इन 41 सीटों में कोई घमासान नहीं है, 5-6 सीटों में डिफरेंस है। मैं आपको बताऊं कहाँ डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस था दिया कुमारी जी के क्षेत्र में, जो नरपत सिंह जी खामोश में उनके समझ में आ गई कि दिया जी भावी मुख्यमंत्री पद की एक बहुत ही ज़्यादा संभावित उम्मीदवार है। मेरी भी उनसे बात हुई, नरपत सिंह का पुत्र अगर इस बात को नहीं समझे यह संभव है, नरपत सिंह जी राजवी के साथ न्याय होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। बीकानेर से इनको टिकट की जो चर्चा, टिकट दे नहीं दे, न्याय पार्टी कैसे करती है ये पार्टी का अपना दृष्टिकोण है। दूसरा झगड़ा था बालकनाथ का, वह तय हो गया है। संपूर्ण यादव समाज और गैर यादव हिंदू समाज बालकनाथ के साथ है, उनकी जीत तय है। मैंने जब 13 सीटें मांगी थी जिसके लिए एकनाथ शिंदे को पत्र लिखा था, उसमें मैंने 4 नाम इससे लिखे थे। मैंने ये जरूर कहा था कि झोटवाड़ा में सुपुरा को अवॉइड नहीं किया जा सकता, तब इनके सामने भालू प्रताप का नाम था। और मैंने ये भी कहा था कि भालू प्रताप को तो आप बदल सकते हो, सुरपुरा इंडिविजुअल है, बहुत पावरफुल है, बहुत काम किया है, बहुत धन है, उसको आप हटा नहीं पाओगे, तो अब बेटर ये होगा कि भानु प्रताप को आप बदलो। शायद इसके कारण ये और कारण उनको बदला गया, मगर तब तक ये भाई साहब कूद गए। अब इनको मालूम नहीं है कि सुरपुरा का कितना बड़ा काम है। इस एक को मैं मानता हूँ कि भाजपा की गलती को मानता हूँ, राज्यवर्धन वाले मामले में, मगर फिर पार्टी में एकता है, इसको भी कहीं कहीं मैनेज किया जाएगा। 34 सीट थी बैसला के पुत्र की, तो वो तो मेरा ख्याल है गुजर, बैसला के भी 70 आदमियों के बलिदान का उनको स्मृति है। फिर भी बैसला के पुत्र का उपयोग सचिन पायलट के साथ हो जाएगा, इसमें मुझे संदेह है। आज की तारीख में सचिन इस देश में गुजरों का सबसे बड़ा नेता है, ईमानदार है, चरित्रवान है, हिम्मत वाला आदमी है और ताकत से चुनाव लड़ता है। आज कांग्रेस में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो है वो सचिन की दी हुई है। अशोक गहलोत के राज में तो पूरी कांग्रेस कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ बचा ही नहीं था इनके पास। इसलिए मैंने कहा था अगर अगले चुनाव में कांग्रेस कितना भी जोर लगा लेगी तो 30-35 से ज़्यादा सीट नहीं ला पाएगी। आज की तारीख में फरोदी का सट्टा 50-52 बताता है, मैं इसको नहीं मानता। 5-6 की फूट को फूट नहीं कहा जा सकता, 41 से 5-6 का डिफरेंस ओपिनियन है, फूट नहीं कही जा सकती। इस 41 सीट में से कम 32 सीट तो 100% भाजपा की झूली में जाएगी, 4-5 सीट कांग्रेस ही हो सकती है। एक रामनिवास यादव वो निर्दलीय जीतेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, और हमको तो हमारा तो हमारी तो जीत है। चर्चा है कि वसुंधरा जी का खेमा है, उसको पूरी तरह अवॉइड किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसको अवॉइड किया है? जब देवी सिंह को टिकट मिल जाएगा तब क्या कहोगे, प्रहलाद गुंजर को टिकट मिल जाएगा तब क्या कहोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आज जीते बल को दिया है, विनय बल को दिया है, चाहे कोई किसी का आदमी। एक टिकट तो मैंने सुना भारत के सबसे बड़े पदाधिकारी ने एक टिकट मांगा था, वो भानु प्रताप का मांगा था, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि जब सुरपुरा का नाम आया तो प्रताप भानु कमजोर हो गया। जो भी दिया है, मैंने 1-3 लाइन कही थी, वो तीनों लाइन आपने सुनी भी होगी। मैंने कहा था कि बहुत शानदार सूची, शानदार उम्मीदवार, जानदार और सिलेक्टर 90% ईमानदार, वो बात सही हुई है। अच्छा सिलेक्टर है, कांग्रेस भयभीत है, कांग्रेस बहुत बुरी तरह बौखलाई हुई है, कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं है। जब इस क्षेत्र में जो
गुजर बेल्ट का कहा जाता है, इस क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्गति है, तो मारवाड़ में तो अधोगति तय है, गति नहीं होगी अधोगति होगी। देखिए विद्रोह की भावनाएं बहुत प्रबल हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही कहा आपके सामने 41 की घोषणा है, पांच जगह तो विद्रोह हुआ है, संभावना इस तरह जताई जा रही है दूसरी सूची में फिर से डिनाई किया जाएगा, तो फिर चार पांच में विद्रोह हो जाएगा, तो टोटल मिला करके 41 में पांच में हुई है विद्रोह। कहा हुआ है? नाराजगी हुई है, विद्रोह नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इंटरेस्ट ऑफ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज नॉट विद्रोह। विद्रोह है ही, विद्रोह तो हुआ है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के उम्मीदवारों का बाइकआउट करेगा, या सचिन पायलट गहलोत की उम्मीदवारों का बाइकआउट करेगा, वो विद्रोह कहा जाएगा, ये विद्रोह है ही नहीं। राजपाल सिंह शेखावत है, डैमेज कंट्रोल के तहत इनको भी नहीं सेट किया जाएगा। आप खुद बताइए मुझे, राजपाल सिंह शेखावत को खुद को कहो, आज आपको पब्लिक ओपिनियन सर्वे करा लो, उसकी जगह जिसको टिकट दिया है वो कमजोर आदमी है क्या? बहुत मजबूत है। नरपत जी की नाराजगी वायद थी, मेरी नरपत सिंह जी से दो बार बात हुई, भले आदमी है, पक्के भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, उनकी भैरू सिंह का वो अंश है, भैरू सिंह का वंश है, वो नसंश नहीं है, इसलिए ये भी समझ जाएंगे। कांग्रेस इस बात पर तालियां बजा रही है कि भाजपा में फूट है, फूट ये नहीं है, फूट देख लिया तो कांग्रेस की सूची आई, तब बताऊंगा आपको सूची क्या होती है। फूट इतनी है कि जो जोधपुर में 3 सीट में हमेशा एक मुसलमान और जैन को टिकट देती थी कांग्रेस, गायब, एक को नहीं दे रही है, ये है फूट। इसको बोलते हैं डिफरेंस, इसको बोलते हैं विद्रोह की भावना, इसको बोलते हैं विद्रोह का आरंभ, विद्रोह का बीजारोपण। पड़ोसी का सत्ता कहता है 116 बीजेपी और 7 कांग्रेस, और इस 7 कांग्रेस में हमारा भी कुछ रोल है, जिससे अभी सदरों को जानकारी नहीं है, हम दर्पण और दिखाएंगे। तो भाजपा तो 120 के आसपास 25 आएगी, कांग्रेस किसी भी कोशिश कर ले, चाहे वो एक और घोषणा कर ले कि मैं अगर जीत गया तो फ्री टिकट दे दूंगा पूरी जनता के घरों में, तो भी कांग्रेस 30-40 से ज्यादा सीट नहीं लाएगी, निर्दलीय आएंगे 20-25, ये पक्की बात है, और 125 बीजेपी आएगी, जोड़ लगा लो 200 हो जाएगी, पूरी बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत नहीं, अतिरिक्त अधिकतम बहुमत के साथ। और मेरे को तो ये डाउट है कि कांग्रेस विपक्ष के नेता के लायक रहेगी तो भी मजा की बात है। तो ये थे चंद्रराज सिंघवी जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस भले ही सरकार में रिपीट होने की जो सपना है वो संजय हुए हैं, लेकिन इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। कैमरामैन अंशुल के साथ जनता दरबार के लिए विजय।